हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज़ में। बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट हम आपके सामने आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। बच्चों चल, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई हमारे पास में मोशन की चार ही इक्वेशन है, बस उन चार इक्वेशंस को अप्लाई करके ही हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला काम यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आप डेटा निकालिए और देखिए कि उस डेटा का यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है और कौन सी इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों चलिए, हम प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर सबसे पहले डेटा फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या होगा। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है यानी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अंडर कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट ट्रेवल 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड। बच्चों पर्टिकुलरली थर्ड सेकेंड में 15 मीटर चलेगा, पर्टिकुलरली थर्ड सेकेंड में 15 मीटर चला, समझ आ रही है बात? ओके और सेवेंथ सेकेंड में 31 मीटर चला। तो मैं यहां लिखूंगा डिस्टेंस इन सेवेंथ सेकेंड इज इक्वल टू 31 मीटर। हमें बताना है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों के स्कूल एग्जाम के लिए एक परफेक्ट प्रॉब्लम है बिल्कुल। अब आप ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के, कौन सी सेकंड की बात हो रही है? थर्ड सेकंड की बात हो रही है, थर्ड। थ्री सेकंड की बात नहीं हो रही है, थर्ड सेकंड की बात हो रही है, यानी मोशन की फोर्थ इक्वेशन। यहां सेवन सेकंड की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली सेवेंथ सेकंड की बात हो रही है। सात सेकंड की बात नहीं हो रही है, सातवें सेकंड की बात हो रही है। इसका मतलब है मोशन की फोर्थ इक्वेशन। यहां भी मोशन की फोर्थ इक्वेशन, यहां भी मोशन की फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि टाइम इंटरवल की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली एक सेकंड की बात हो रही है। तीसरे सेकंड में इतना चला, सातवें सेकंड में इतना चला। चलिए मोशन की फोर्थ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। मोशन की फोर्थ इक्वेशन है भाई u प्लस ए बाय टू, टू इंटू एन, एन की जगह आता है नंबर ऑफ सेकंड। कौन से सेकंड की बात हो रही है? तीसरे सेकंड की बात हो रही है, 3-1। यहां अप्लाई करते हैं u प्लस ए अपॉन टू, टू इंटू सेवेंथ, एन की जगह आएगा 7-1। अरे मोशन की फोर्थ इक्वेशन पता है ना भाई, क्या होती है मोशन की फोर्थ इक्वेशन? u प्लस ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन, यही होती है ना, u प्लस ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन। हमने एक बार n की जगह रखा थर्ड और एक बार n की जगह रखा सेवन। ठीक है, हमने तीसरे सेकंड के लिए मोशन की फोर्थ इक्वेशन को अप्लाई किया और सातवें सेकंड के लिए मोशन की फोर्थ इक्वेशन को अप्लाई किया। दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u माना है बच्चों और एक्सीलरेशन को a माना है। चलिए देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में। देखो भाई, 2 इंटू 3 6, 6-1 5। तो पहली इक्वेशन बनी u प्लस 5 a अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। लो भाई बच्चों, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 7 इंटू 2 14, 14-1 यानी 13। u प्लस 13 a अपॉन 2 इज इक्वल टू 31। ये बनी हमारे पास में मोशन की सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व किया फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व किया सेकंड इक्वेशन। अब देखो हम सॉल्व करेंगे कैसे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। ये तो सॉल्व करने का तरीका है यार। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर ये देखना कि हम लोगों को निकालना क्या है। हमें यू और ए निकालना है, पर्टिकुलरली एक सेकेंड की बात हो रही है तो हमने इसीलिए मोशन की फोर्थ इक्वेशन को अप्लाई किया। थर्ड सेकेंड की बात हो रही है इसीलिए एन की जगह 3 रखा। सातवें सेकंड की बात हो रही है इसीलिए एन की जगह 7 रखा। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए अगर आपको इससे अच्छा तरीका कोई सॉल्व करने का पता है ना तो वो लगाओ, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पता है तो ये तरीका देखो सॉल्व करने के लिए।
दो इक्वेशन हमारे पास में बन चुकी है, इन्हें सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, यू में से यू को माइनस करेंगे जीरो, 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8a बाय 2, 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 16। देखो भाई ये बनेगा हमारे पास में 8a बाय 2 इज इक्वल टू 16, ये इससे कैंसिल आउट, एक्सिलरेशन बन चुका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई जो एक्सिलरेशन हमारे पास में बना है ना बच्चों, वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना है। एक्सिलरेशन की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से u निकल जाएगा, एक्सिलरेशन को यहाँ रख दीजिएगा, रखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ से u कैलकुलेट हो जाएगा। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है? एक्सिलरेशन। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम से ये सीखा कि हम लोगों ने यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन को अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक सेकंड की बात यहाँ पर हो रही है, इसीलिए हमने फोर्थ इक्वेशन अप्लाई किया। बच्चों अगर चिंता हो रही है ना, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, हम इतने एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इतने एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि तुम्हें रट जाएगा बिल्कुल कहाँ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यू यहाँ से कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो ये हमारे पास में कंडीशन बनी। अब क्या हम लोगों को कहा है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व की है ना, उसकी बात हो रही है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड एंड 10th सेकंड। देखो जरा अब दोनों में फर्क है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए, 10 सेकंड में और 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में अगर 10 सेकंड में पूछा है तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और अगर 10वें सेकंड में पूछा है तो फोर्थ इक्वेशन अप्लाई करेंगे। यही तो समझने वाली बात है, यही तो कमांड बनाने वाली बात है कि आप चीजों के ऊपर अपनी कमांड तैयार करें। 10 सेकंड का मतलब क्या है? 0 से लेकर 10 सेकंड में बॉडी ने कितना चला है, 10 सेकंड का मतलब यह है। और 10वें सेकंड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 10वें सेकंड में बॉडी ने कितना चला है। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, ध्यान दो जरा, अभी आपके सामने प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने एक्सीलरेशन निकाला है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू मैंने आप लोगों को निकालने के लिए कहा था, चलो मैं ही निकाल देता हूँ, जरा देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। 5a अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना था बच्चों? 15। ये हमारे पास में एक इक्वेशन थी, चलिए निकालते हैं। यू प्लस 5, एक्सिलरेशन निकला है 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15, ये कैंसिल आउट, ठीक है। यू की वैल्यू निकल गई है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास में 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सिलरेशन है हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों को ये बताना है कि 10 सेकेंड में कितना चला। भाई 10 सेकेंड में निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मोशन की सेकेंड इक्वेशन को, और मोशन की सेकेंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू की वैल्यू है आपके पास में 5, टाइम की वैल्यू है 10, एक्सिलरेशन की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 50 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 100, कैंसिल आउट, ये आया 50, ये बना 50 प्लस 5 इंटू 50 यानी 250, एंड द आंसर इज 300 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में रहने वाला है ना बच्चों 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, ये हमारे पास में 300 मीटर रहने वाला है। अगर हम पर्टिकुलरली 10वें सेकंड की बात करें बच्चों, तो 10वें सेकंड में कितना होगा, 10th सेकंड में कितना होगा, तो आप यूज़ करेंगे मोशन की फोर्थ इक्वेशन का, यह है मोशन की फोर्थ इक्वेशन। अगर आपको 10वें सेकंड के अंदर निकालना है, 10th सेकंड के अंदर निकालना है, यू की वैल्यू कितनी है? 5, ए की वैल्यू कितनी है? 4, एन की वैल्यू कितनी है? 10। पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकल जाएगा 10वें सेकंड में इतना चलेगा, और कुल मिलाकर 10 सेकंड में इतना चलेगा। बच्चों ध्यान से प्रॉब्लम को नोट करिएगा, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है।
तो बच्चों प्रॉब्लम समझ आई ना आप लोगों को, 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट चलेगा और 10वें सेकंड में, 10th सेकंड में कितना चलेगा उसकी वैल्यू हमारे सामने ये है। u को रिप्लेस करेंगे 5 से, एक्सीलरेशन को रिप्लेस करेंगे 4 से, n की जगह 10 पुट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, खत्म बात, आंसर निकल जाएगा। आप लोगों का आंसर है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मेंशन करिएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए।